इन दिस सेक्शन आई एम गो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरलाइज्ड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल तो प्रीवियसली वी डिस्कस द वन पीरियड वैल्यूएशन मॉडल उसको इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सिम्प्लीफाई करने के लिए हम एज्यूम कर रहे थे कि जो स्टॉक है आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप उसको एक साल के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद उसको वापस मार्केट में बेचने वाले हैं बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता सो so, there कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट एन इन्वेस्टर बाइज अ स्टॉक एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ स्टॉक कीप्स इट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ़ ईयर्स एंड देन सेल्स इट और जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए या नंबर ऑफ़ पीरियड्स के लिए वो अपने पास उसको रख रखने जा रहा है, उतने टाइम पीरियड तक उसको डिविडेंड्स मिलते जाएंगे और उसको डिसाइड करना है कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए और इस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम जो उसका प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे बाय कंसिडरिंग द ऑल द पॉसिबल कैश फ्लोज दैट कैन बी अर्नड बाय इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक उसको निकालने के लिए हम जनरलाइज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं सो वॉट वी बेसिकली नीड फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल या इस मॉडल को इस्तेमाल करके हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एंड दैट कैन बी इलास्ट्रेटेड

प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज द फ्यूचर सेलिंग प्राइस जो एंड ऑफ द पीरियड है फॉर एग्जांपल पाँच साल के बाद आप ने अगर इसको इस पर्टिकुलर स्टॉक को बेचना है या दस साल के बाद बेचना है दो साल के बाद बेचना है या एक, एक साल के बाद बेचना है उस वक्त इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी आपको उस उसके बारे में पता होना चाहिए तो वॉट वी विल डू इज वी विल टेक इन टू अकाउंट द डिविडेंट फॉर ईच टाइम पीरियड एज यू कैन सी कि हमने सपोज़ हम एज्यूम करें कि एक इन्वेस्टर ने एंड टाइम पीरियड के लिए कोई स्टॉक को में इन्वेस्ट करा है और उस एंड टाइम पीरियड में लेट से वो पाँच साल हैं तो पहले साल में डिविडेंड कितना मिलेगा दूसरे साल में डिविडेंड कितना मिलेगा सो ऑन अप टू फिफ्थ साल में कितना डिविडेंड मिलेगा और उसमें फिर हम ऐड करेंगे एंड में जो उसका फ्यूचर का सेलिंग प्राइस है उसको लेकिन इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर हमें एक डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं पी नॉट कि अभी इस इस वक्त उन तमाम फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज की वैल्यू क्या है और उसके लिए एक चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि जो फर्स्ट टाइम पीरियड की जो डिविडेंड है उसको हम जब डिस्काउंट फैक्टर के साथ में डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ रेस्ट टू दार वन चलेगा तो सेकेंड टाइम पीरियड में हमने इसको वन प्लस के इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट को आपने रेस्ट टू दार टू लेकर डिविडेंड को इससे इस फैक्टर से, से डिवाइड करना है और सिमिलरली अगर पाँच साल के लिए है तो पाँचवें साल का डिविडेंड वन प्लस के रेस्ट टू दार फाइव से डिवाइड होगा और फिर हमने इसी तरह से अगर पाँच साल में के बाद जाके आप अपने स्टॉक को बेचने जा रहे हैं तो वहाँ भी आप उसी एंड टाइम पीरियड को पावर में डालेंगे डी की तो आप करंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक विच यू आर इंटेंडिंग टू कीप इस फाइव ईयर्स को निकालने के अंदर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं समटाइम्स वी सी दैट पीपल इन्वेस्ट इन अ सर्टन कॉमन स्टॉक फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स और फॉर अ वेरी लॉन्ग स्पैन इन दैट केस जो उनका फ्यूचर का सेलिंग प्राइस है यानी कि अगर वो पचास साल के लिए अपने पास किसी कंपनी का स्टॉक विदहोल करते हैं और पचास साल के बाद या साठ साल के बाद या पैंतालीस साल के बाद वो उसको जाके बेचने जा रहे हैं तो इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद की जो प्राइस है फ्यूचर सेलिंग प्राइस वो उनके कभी अभी के प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर कोई इतना ज़्यादा बड़ा असर नहीं डालती क्योंकि हमने देखा के जो भी आपका फैक्टर है उसको हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो इफ़ सपोज वी आर गोइंग टू डिवाइड वैल्यू बाय द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न प्लस वन रेस्ट फिफ्टी और अ फोर्टी फाइव तो वो ज़ीरो पॉइंट जीरो 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 करके बहुत छोटी सी वैल्यू बन जाती है और इतनी छोटी वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कॉमन स्टॉक के ऊपर कुछ ज़्यादा बड़ा असर नहीं होता तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन इन विच कॉमन स्टॉक विल बी सोल्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड या सेलिंग का जो पॉइंट है वो फार फार अवे है अभी के टाइम पीरियड से तो उसमें सेलिंग पॉइंट के ऊपर जो आपकी कीमत क्या होगी वो अगर आपको नहीं भी पता तो आप उसको कंसिडर नहीं करते क्यों अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि उसका वो वो वैल्यू जो है वो बहुत छोटी हो जाती है जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग जीरो 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 करके बन, जा, बन जाती है क्योंकि उसका जो डिवाइजर है डिनोमिनेटर है उसकी पावर काफी बड़ी हो जाएगी टाइम पीरियड को जब हमने अकाउंट फॉर करना है लॉन्गर टाइम पीरियड को तो इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव वैल्यू ऑफ पी वन हाँ शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने दो साल तीन साल चार साल का अंदाज़ा लगाना है तो फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू के लिए पी वन की जरूरत होगी कि जिस सेलिंग पॉइंट के ऊपर आप जिस टाइम पीरियड में आप इसको स्टॉक को सेल करने जा रहे हैं उस वक्त उसकी कीमत क्या मिलने वाली है वो एक अहम रोल प्ले करने वाली है आपके प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेकिन अगर वो बहुत दूर एग्जिस्ट करती है बहुत दूर बैठी हुई है तो फिर उसका असर बहुत छोटा हो जाता है ना होने के बराबर हो जाता है लिहाजा अगर वो आपको नहीं भी पता या आप उसको नहीं भी कंसिडर करें तो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू पे कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आने वाला तो इन दैट केस व्हाट इज डन इज वी टेक इनटू अकाउंट ओनली द डिविडेंड्स और उनकी प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर लगा के हम कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो कॉमन स्टॉक है या कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर उसकी अभी कीमत करंट टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में करंट वैल्यू ऑफ प्राइस करंट प्राइस में या अभी के रुपीस के टर्म्स में उसकी कीमत क्या होनी चाहिए और उसके लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं विदाउट कंसिडरिंग जैसे इफ द सेलिंग पॉइंट इज फार फार अवे तो वी डोंट नीड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक in that case we will be taking into account only the sum of the discounted dividends and that will give you the present value of all the possible cash flows which you are expecting by investing in a certain stock for a for a number of period of times